जजिए जजिए जा जजिए जजिए जा आरसीएम के संग जिए जजिए जा जजिए जजिए। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, हरियाणा से हूं मैं। वहां पे एक टाउन है जीन नाम से। पिछले 8 साल से वहां पे मेरा अपना एक बिजनेस है, केबल नेटवर्क है पूरे टाउन में। और साथ में दोस्तों मैं स्टूडेंट हूं, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं आज। और पिछले 4 साल से आर्ट्स बिजनेस का भी स्टूडेंट हूं, इसको भी सीख रहा हूं। बहुत लक्की हूं मैं और बहुत लक्की हैं आप सब लोग, क्योंकि हम सब की जो कॉमन अपलाइन है वो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्ट्स बिजनेस में एक इतिहास रचा है, जिन्होंने आम व्यक्ति को ये बताया कि कपड़े की किट खरीद के 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। आर्ट्स बिजनेस के पहले करोड़पति कोठारी साहब, हम बहुत लकी हैं, कोठारी साहब की गाइडलाइन हमें मिलती है। और ऊपर में श्री केसी चावड़ा साहब, जिनका बहुत बड़ा विजन है इस बिजनेस को लेके, श्री बीसी चावड़ा जी, जिनकी मोटिवेशन, जिनकी प्रेरणा से हम बहुत बड़े बड़े ड्रीम इस बिजनेस में बना रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम उनको पूरा कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जो एलओएस है और मेरी जो एलओएस है वो निश्चित रूप से आपकी भी एलओएस है। हम सबकी एलओएस दुनिया की सबसे बेहतरीन एलओएस है, सबसे बेहतरीन लोग हैं वो, सबसे अच्छे टीचर हैं वो, जो हमें एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बनाने के लिए जिनका संकल्प है। आज से 4 साल पहले ये बिजनेस मेरे लिए अजनबी था, पहली बार मैंने नाम सुनाई दिया था आरसीएम। और आज आलम ये है, सुबह जब उठते हैं मोबाइल पे जो पहली फोन कॉल अटेंड करते हैं उसमें होता है गुड आरसीएम। और दिन में पता नहीं कितने बार गुड आरसीएम होता है, और रात में भी सोते टाइम फोन की जो लास्ट कॉल होती है या श्रीमती जी जो बोलते हैं वो भी एक ही चीज बोलते हैं, गुड आरसीएम। यस, इतना रम गया ये अंदर में, मात्र 4 साल का टाइम पीरियड हुआ फ्रेंड्स। 4 साल पहले जब मैंने मार्केटिंग प्लान देखा, मेरे दिमाग में भी कई सारे कन्फ्यूजन थे इसको लेके। जिस व्यक्ति ने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया था मैंने उनसे प्रश्न किया था कि मेरा अपना एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मेरी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बावजूद जब इनकम और प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो बहुत लिमिटेड है, हजारों में आता है, और जब कंपटीशन होते हैं तो आता नहीं है, घर से देना पड़ता है। और आप यहां पे बता रहे हैं कि कपड़े की किट खरीदें, आपके घर में लाखों रुपए महीना की इनकम आ सकती है। मैंने उनसे कहा कि मेरा बिजनेस को लेकर जो तजुर्बा है, जो एजुकेशन बिजनेस की आज तक मुझे मिली है, वो एजुकेशन ये कहती है अगर आपने 1 लाख रुपए महीना कमाना है, एक ही तरीका है, आपके पास में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। अगर 1 करोड़ रुपया है, उस 1 करोड़ रुपए का कोई भी काम करके शायद आपको 1 लाख रुपए महीना की इनकम आ जाए, लेकिन कपड़ा पहनने से 1 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी, ये कैसे पॉसिबल है? इस प्रकार के तरह तरह के प्रश्न जो पहली बार मैंने मार्केटिंग प्लान देखा मेरे माइंड से पैदा हुए। मैं बहुत सीरियस नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छे दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था। मेरे को लगा अगर ये किट नहीं खरीदा तो ये दोस्त कम से कम 1 महीने तक बात नहीं करेगा मेरे से, कि मैं उसकी नेचर को जानता था। मैंने किसी व्यक्ति को ओबलाइज करने के लिए 1260 रुपए दिए, एक फोरम पे साइन कर दिए, किट ले ली। किट लेके भी मैं घर पे नहीं गया, मेरा अपना जो केबल नेटवर्क का बिजनेस है उसके ऑफिस में जाके उसको रख दिया, क्योंकि शादीशुदा लोगों के साथ में एक दिक्कत होती है, जब कुछ भी सामान लेके जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी छानबीन होती है, तहकीकात होती है, कितने का लाए, कहां से लाए, क्यों लाए। सो मैं किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता था, मैंने सोचा किसी मौके पे ले जाएंगे। सो बहुत सीरियस नहीं था इसलिए मैंने काम नहीं किया इस बिजनेस को लेके। इवन मैंने ये भी नहीं देखा कि इसमें कितने कपड़े हैं, पैंट शर्ट क्या है क्या नहीं। 3 महीने तक काम किया तो केवल मात्र एक किया, जब भी मेरी अपलाइन का फोन मेरे पास में आता था मैं हर बार कोई ना कोई नया बहाना उसको बना के बता देता था। कभी मैं उनको कहता, वो कहते कि इस महीने आप अच्छा काम करो मैं आता हूं आप मीटिंग रखवाएं, मैं उनको कहता इस महीने मीटिंग नहीं रखेंगे,
क्योंकि इस महीने इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की श्रृंखला चली हुई है और बहुत सारे लोगों के घरों में केबल के कनेक्शन लगाने हैं। कभी मैं कहता कि अब की बार तो यूनिवर्सिटी में जाना है, स्नैप से सबमिट करने हैं, तो कभी मैं परिवार के किसी व्यक्ति को बीमार कर देता और कई बार किसी व्यक्ति को ऊपर भेज देता, दूर के रिश्तेदार को। दूर के रिश्तेदार की कोई डेफिनेशन नहीं होती ना। यस, और ये एक ऐसी चीज है, फिर कोई भी बंदा बोलता नहीं ज्यादा, बिजनेस की बात नहीं करता, वो पूछता अच्छा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, और छुट्टी मिल जाती है कुछ टाइम के लिए। सो तीन महीने तक ये कार्रवाई चलती रही, लेकिन तीन महीने के बाद इस बिजनेस को लेकर जो टर्निंग प्वाइंट आया, मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा परिवर्तनकारी समय था, इस प्रकार की एक मीटिंग में आने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। वो भी आना नहीं चाहता था, जैसे तैसे आ गया, और आज शुक्र गुजार हूं सुपर वाले का, उस हालात उन परिस्थितियों का, जो परिस्थितियां मुझे मैं चाहते हुए भी इस प्रकार के शानदार लोगों के बीच में बैठा दिया, और बैठाने के बाद ही बिजनेस मेरे समझ में आ गया। ये जो क्लैपिंग बार बार बजवाई जा रही है ना, ये इसलिए बजवाई जा रही है ताकि आपकी थोड़ी सी स्थिति ठीक हो जाए। हमारा जो दिमाग होता है ना, जैसे भूमि होती है, उसमें अच्छी फसल पैदा करने के लिए उसको साफ किया जाता है, उसमें जो गलत चीजें पैदा हो जाती हैं उनको निकालना पड़ता है, और उपजाऊ भूमि में उपजाऊ फसल पैदा होती है। सो ये जो तालियां हैं, जो पहले की नेगेटिविटी हमारे यहां पे फीड है, उस नेगेटिविटी को वास करने के लिए बार बार बजाई जाती हैं। जितनी ज्यादा बताओगे उतनी ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तालियों का क्या महत्व है, ये हेमंत शर्मा जी ने आपको बताया, लेकिन तालियों का सबसे बड़ा महत्व पिछले हफ्ते मुझे समझ में आया, जब मैं जयपुर में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है वहां पे बिरला ऑडिटोरियम, उसके बाहर एक फंक्शन लेके निकला, बहुत एक्साइटिंग सेमिनार थी, वो लगभग 2000 लोग थे वहां पे, और जैसे हम लोग बाहर निकले, दो डिस्ट्रीब्यूटर, दो व्यक्ति मैं कहूंगा, आपस में झगड़ रहे थे, आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। मैं उनके पास में गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप लोग मीटिंग में थे, मीटिंग में तो अच्छा बोलना सिखाया जाता है, प्यार करना सिखाया जाता है, तुम झगड़ क्यों रहे हो आपस में। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो सज्जन मेरे पास में है, ये मेरे बहुत नजदीकी दोस्त हैं, मैं पिछले तीन महीने से इनको आरसम बिजनेस के बारे में बता रहा था, बड़ी मुश्किल से इनको मैं फंक्शन में लेके आया, बाहर जो टिकट लगी वो भी मैंने अपनी पॉकेट से इनको लेके दी, और अब मीटिंग से बाहर आने के बाद ये कह रहे हैं कि मैं आरसम बिजनेस ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, परेशान क्यों हो रहा तू। उसने कहा मैं परेशान इसलिए हो रहा हूं, ये कह रहा है कि मैं आरसीएम ज्वाइन तो करूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। फिर मुझे भी लगा कि यार मामला गंभीर है, मैंने उनसे पूछा कि क्या इस व्यक्ति ने आपको मीटिंग में बुलाया, बोले साहब बुलाया, इसने आपकी टिकट ली, बोले साहब ली। फिर मैंने कहा यार तुम इसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे, उसने कहा कि मैं इसके साथ में मीटिंग में बैठा था, मीटिंग में हर व्यक्ति तालियां बजा रहा था, इससे मीटिंग में ताली नहीं बज रही थी, मेरे को रॉयल्टी पे कैसे लेके जा सकता। सो आपके सामने ये प्रॉब्लम ना आ जाए, बाहर जाके कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए आपके साथ में ज्वाइन करने से मना कर दे कि तुमसे ताली नहीं बजती, मैं तेरे साथ नहीं ज्वाइन करूंगा। यस, याद रखना इस चीज को, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर अप्लाइंस से समझौता करवाओगे सब। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जुड़ने से पहले ये देखता है कि ये व्यक्ति खुश रहता है, ये उत्साही रहता है या नहीं रहता। दो बच्चे हैं, एक रो रहा है एक हंस रहा है, आप किसके साथ में खेलना पसंद करेंगे? हंसने वाले के। आपके चेहरे पे अगर हंसे अच्छे भाव हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आपके साथ में ज्वाइन करने के लिए तैयार रहेंगे। और तालियां इसलिए बजाएं, कोई वह आपकी उत्साह को देख के बाहर जाके वैसे ही प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा आपका कोई कि यार इसके साथ ज्वाइन करो। तो तालियां बजाना घाटे का सौदा नहीं है। मैं आपको कह रहा था कि मैं बहुत सीरियस नहीं था इस बिजनेस को लेके, तीन महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया, बहाने बनाए खूब सारे। तीन महीने के बाद ऐसे फंक्शन में आने के बाद मैं पहली बार मुझे लगा कि इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना की इनकम आ सकती है, और दूसरी चीज मुझे लगी इस बिजनेस को मैं भी कर सकता हूं। वो इसलिए लगा क्योंकि स्टेज से एक व्यक्ति से मैंने रिलेट किया जिसकी बैकग्राउंड थी कि वो खेती करते थे,
बहुत बड़ी एजुकेशन उसके पास में नहीं थी, उसके बावजूद इस वेनस को वो बहुत सक्सेसफुली कर रहे थे और इस वेनस की वो रॉयल्टी स्टेज पे थी। उनको देखने के बाद मुझे लगा कि जब एक किसान जिसके पास में बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, पहले की भी एजुकेशन नहीं है, इस वेनस की भी एजुकेशन नहीं है, जब वो व्यक्ति इस वेनस को कर सकता है, मैं निश्चित रूप से इससे तेजी से करके इससे पहले रॉयल्टी पे पहुंच सकता हूं। ये फीलिंग आई और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया इसको, मन बनाया, जब निकला हॉल से बाहर कि यस मैं इसको करूंगा, मन बना। कोई भी नया काम इतना आसान नहीं होता, ये बिजनेस नया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, निश्चित रूप से बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं क्योंकि उनके पास में अनुभव है। मेरे पास में कोई अनुभव नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, मुझे नहीं पता था ये मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं तो इसी प्रश्न पे अटक गया था कि कपड़े की किट खरीदने से लाखों रुपए कैसे आ जाएंगे, यानी इस प्रकार की सोच थी, मुझे जानकारी नहीं थी इस प्रकार के बिजनेसेस को लेके। सो मेरे सामने और थोड़े ज्यादा बड़े चैलेंजेस थे, मुझे जानकारी नहीं थी, ये कारण था। दूसरा कारण था उस टाइम आरसीएम बिजनेस के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे। तीसरा कारण था हमारे आसपास में कोई व्यक्ति ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जिसको देख के हम रिलेट करें और हमें लगे कि ये 2000 कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। और चौथी चीज, इस प्रकार की मीटिंग्स और गुरप्रीत सिंह जैसे लीडर्स प्लान देने वाले हमारे बीच में नहीं थे, बहुत बड़ा अभाव था इस प्रकार का। सो थोड़े मुश्किल रहे, थोड़े चैलेंजेस रहे। आश्रम बिजनेस ज्वाइन करने के 5 महीने बाद मेरी पहली इनकम आई थी 1560 रुपए की, 5 महीने के बाद। और अब तो स्थिति यह है किसी का अगर 2 महीने चेक नहीं आता वो तीसरे महीने काम ही नहीं करता, कहता कि नहीं भैया बहुत सारी कंपनियां दूसरी में करूंगा, आरसी में तो आता है कुछ नहीं। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि 5 महीने के बाद मुझे 1560 रुपए का चेक आया, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आरसी महीना से मेरा पिछले महीने का चेक 6,50,560 रुपए का था। थैंक यू वेरी मच। पिछले 4 साल में बहुत कुछ दिया फ्रेंड्स इस बिजनेस ने। एक मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड से आया हूं मैं, मेरे फादर टीचर थे, अभी रिटायर हुए हैं 2 साल पहले। घर में 3 बहनें 2 भाई, मिडिल क्लास फैमिली के जो चैलेंजेस होते हैं वो सारे के सारे फेस किए। जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूं उसकी 2 लाख की पॉपुलेशन है, आज से 4 साल पहले उस 2 लाख की भीड़ का एक हिस्सा था मैं भी। लेकिन इस बिजनेस की पावर है कि आज उस 2 लाख पॉपुलेशन के शहर में अगर कभी चर्चा होती है इस चीज की कि हमारे शहर की सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत, सबसे लग्जरी, सबसे महंगी गाड़ी किस व्यक्ति के पास में है, तो नाम आता है कि वो कार सिम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुरेंद्र वत्सम का नाम। मेरी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल को देख के ऑफिसर्स टकरा जाते हैं, वो देखते हैं 4 साल पहले तो इस नाम की कोई फर्म नहीं था, व्यक्ति नहीं था, ये कौन व्यक्ति कहां से क्या आ गया। और वो मेरे वकील से पूछते हैं कि भैया ये करते क्या हैं, और वो मेरे से वकील साहब कहते हैं मैंने उनको कुछ पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको मैंने बोला हुआ है कि जो बंदा तुम लेके आओगे वो तुम्हारी डाउनलाइन में जाएगा। वो कहते हैं कि साहब वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका हिंदुस्तान के 29 स्टेट में बिजनेस है, बहुत कम टाइम रहते हैं जिंद में, मैं प्रयास करके आपको 1 घंटा उनसे मिलवा सकता हूं, पूछ लेना क्या करते हैं। बड़े बड़े जो ईटीओज हैं वो मिलते हैं, टाइम लेते हैं, और उन 1 घंटे में मैं उनको बताता हूं कि ये आरसीएम बिजनेस है, ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, यहां पे आप 1500 रुपए के किट खरीदेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे, उनके साथ में काम करेंगे और आप टेक्निकल बोनस पे पहुंच सकते हैं। फिर वो ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है सारे के सारे एम्प्लॉइज, हेमंत शर्मा जी तो समझदार है, पहले ज्वाइन हो गए, बैंक वाले हैं सारे के सारे ज्वाइन। यूटीआई में मैंने पीछे अकाउंट खुलवाना था पानीपत में, जर्नली जो फॉर्मेलिटीज थी बहुत जल्दी में था, मैं अकाउंट खुलवा के आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं गया, एक व्यक्ति को मैं जानता था
जैसे ही मेरा इंटर हुआ वहां पे सारा का सारा स्टाफ, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उनका भी यही प्रश्न था कि साहब आप करते क्या। मैंने उनको बताया कि बैठो मैं बताता हूं, और मैंने उनको बताया और एक दिन में सारा का सारा स्टाफ ज्वाइन हो गया, एक घंटे में। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं, आपके सामने चैलेंजेस, आपके सामने मुसीबतें, आपके सामने जो भी है वो तब तक है जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, टेक्निकल बोनस पे पहुंच जाएंगे, आप आगे आगे होंगे और लोग आपके पीछे पीछे होंगे कि सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरे को भी ज्वाइन करवा दो। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत कुछ बदल गया है इस बिजनेस की वजह से। कई बार सोचते हैं, चार साल पहले देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, क्या थे चार साल पहले जब बिजनेस की शुरुआत की? एक स्कूटर था बजाज चेतक, वो भी पुराना सा है। क्या किसी के पास में बजाज चेतक? सबके घर में, अगर सबके घर में बजाज चेतक है तो 18 लाख की गाड़ी भी आ सकती है। तो बहुत कुछ हो गया उस चेतक की वजह से, रखा हुआ है घर पे, दो गाड़ियां बदली हैं वो भी सेफ हैं, ताकि लोग देखेंगे बाद में कि पहली गाड़ी ये थी मारुति 800 जिसको धक्के मार के चलाया जाता था, फिर ये दूसरे वाली ली, फिर तीसरे वाली ली। सो बहुत कुछ मिल रहा है। ये चीजें मैं आपसे इसलिए रिलेट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इस बिजनेस में बहुत बड़ी पावर है। अगर आप एक गंभीरता से डिसीजन लेके आज आप यहां से जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस बिजनेस के माध्यम से आपको मिल सकती हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता हमारी ग्रेट अपलाइन बीसी चावड़ा साहब अक्सर शेयर करते हैं कि अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहेंगे तो बनना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए एक पोस्ट है और एपीजे कलाम अब तक के सबसे अच्छे राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं। यस, बड़ा मुश्किल है पहुंचना। प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं वहां पे, पंजाब का सीएम बनना चाहेंगे बन जाएंगे, आसान है क्या? नहीं है। आप अपने पठानकोट का कमिश्नर या एसपी बनना चाहेंगे, शायद वो भी बनना मुश्किल है क्योंकि एक पोस्ट है और आने वाले आने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। यस, लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल बोनस अचीवर बनने का एक ड्रीम लेके यहां से जाते हैं, यहां जितने व्यक्ति बैठे हैं सारे के सारे टेक्निकल बोनस पे पहुंच सकते हैं क्योंकि आप सबके लिए यहां पे सीटें खाली हैं। Yes. कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको भी ये मिल सकता है सब कुछ अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये बिजनेस किया, सकारात्मक सोच के साथ आपने किया। पैसा कमाना चाहते हैं साहब? बड़ा अजीब सा प्रश्न है, पूछ लेता हूं फिर भी हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं, सभी चाहते हैं। थैंक यू, एक बार तालियां बजाएं आपके लिए, आपकी बहुत अच्छी चाहत है। पैसा कमाने के लिए हम दो काम करते हैं। जे पॉल गेट्टी की मैंने एक बुक पढ़ी, रॉबर्ट कियोसाकी को मैंने पढ़ा बिजनेस स्कूल में, वो एक चीज लिखते हैं, पैसा कमाने के लिए हमारे पास में दो साधन है। एक साधन है कि हम जॉब करते हैं, कितने लोग करते हैं मेरे सीधा हैंड्स? बहुत सारे करते हैं। थैंक यू। पैसा मिलता है जॉब से? मिलता है या नहीं मिलता? यस, मिलता है। लेकिन जयपाल गेट्टी एक चीज और लिखते हैं कि पैसा कमाने के दो साधन है, जॉब और बिजनेस, लेकिन अमीर बनने का केवल मात्र एक साधन है, वो साधन है बिजनेस। जॉब से आप अमीर नहीं बन सकते, कम से कम ये तो गारंटी है। यस, यस। और ट्रेडिशनल बिजनेस से भी नहीं बन मिल सकते, जिस प्रकार के बिजनेस एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति करता है उससे भी आपको बहुत सारा पैसा नहीं मिलता। सो जॉब और बिजनेस में क्या होता है, ये चीजें मैं आज सोचता हूं कि अगर बचपन में मुझे पढ़ा दी जाती तो शायद मैं और कुछ होता, लेकिन शायद सही समय पर पढ़ाई गई है इसलिए मैं कुछ हूं यहां पर। हमारी जिंदगी में कौन घटना कब क्या घटती है उसके पीछे ऊपर वाले की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको काम की तलाश थी, उसने न्यूज़पेपर में एक पढ़ी, एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी कि किसी जगह पे एक
टॉयलेट अटेंडेंट की पोस्ट वैकेंट थी, वो वहां पे गया, जो वहां पे इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद में उन्होंने उसके सामने एक फॉर्म रख दिया और उसको भरने के बाद बोले कि आप इस पे अगर सिग्नेचर करेंगे तो आपको ये टॉयलेट अटेंडेंट की पोस्ट मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सिग्नेचर करने नहीं आते। उन्होंने कहा अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आते हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। वो वहां से आया, रस्ते में उसने देखा कहीं फलों की दुकान थी, उस पर वो नौकरी करने लग गया। फलों की दुकान से कुछ देर के बाद उसने अपना खुद का एक फलों का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो उसको आगे बढ़ाता गया और कुछ सालों के बाद वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। उसके यहां से खरीदे हुए फल बाहर जाने लगे और बहुत बड़ा आदमी बनने के बाद में एक दिन किसी बैंक के साथ में उसकी बहुत बड़ी डील होने वाली थी। वो वहां पे गया उस बैंक में और उस डील करने के बाद में उस बैंक का जो सीनियर मैनेजर था उसने कहा कि आप यहां पे सिग्नेचर कर दें। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सिग्नेचर करने नहीं आते। उस मैनेजर ने कहा कि तुम्हें पता है अगर तुम्हें सिग्नेचर करने आते तो तुम कहां होते। उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं टॉयलेट अटेंडेंट होता। कहने का भाव यह है कि जब चीज जब भी हमें जो मिलती है वो सही टाइम पे मिलती है। ऊपर वाले की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। आपको अगर ये कुछ लोगों को लगता है कि यार 5 साल पहले अगर हम बिजनेस में जुड़ जाते तो पता नहीं क्या करते, मेरा ऐसा मानना कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि 5 साल पहले बहुत सारे लोग जुड़े थे वो नहीं कर पाए। ऊपर वाले की प्लानिंग थी कि 5 साल के बाद आज से बिजनेस पठानकोट में आएगा, एक मीटिंग में आप आएंगे, आप प्लान देखेंगे और 6 महीने के बाद आप इसी प्रकार के शानदार होटल में किसी स्टेज से कहेंगे कि 6 महीने पहले 4 अक्टूबर 2005 को होटल विनस में मैंने फंक्शन देखा था, मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा और उसका रिजल्ट है कि मैं आज आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी के मुकाम पे। तो ये उसकी प्लानिंग थी और शायद उसी की प्लानिंग थी कि ये चीजें मेरी बाद में समझ में आई। जॉब और बिजनेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जॉब अगर एक व्यक्ति 20 साल की एज में स्टार्ट करता है तो वो एक दो दिन या दो साल के लिए नहीं करता। एक सर्वे है कि 45 साल तक एक व्यक्ति काम करता है 20 साल की एज से अगर वो स्टार्ट करता है। जब वो 65 साल की एज में पहुंचता है वो काम करने लायक नहीं रहता, इसलिए वो छोड़ देता है और उसके बाद घर में भी उसकी स्थिति कुछ अजीब सी हो जाती है। एक जॉब वाले की विडंबना देखिए, जब तक वो जॉब में होता है उसका हमेशा पहले नंबर लगता है। अगर घर में बहुत लोग हैं और एक बाथरूम है सबसे पहले जॉब वाले को नंबर पड़ेगा, क्योंकि घर वाले कहेंगे लेट हो जाएंगे, पहले इसको नहाने दो, ब्रेकफास्ट सबसे पहले मिलेगा उसको। और जैसे ही ये 65 साल की एज में पहुंचता है सबसे पीछे, करना ही क्या है, खाना और नाना दो ही तो काम है, करते रहना, बच्चों ने स्कूल में जाना है, उसने ये करना है ये करना है। सो इस प्रकार की स्थिति होती है 45 साल तक काम करने के बावजूद। और जॉब में जो सिचुएशन है फ्रेंड, मैंने एक बुक में पढ़ा, उसमें राइटर लिख रहे थे जिनका जॉब का बहुत अच्छा अनुभव था। जॉब वाले जरा ध्यान से सुने, मेरा भी एक्सपीरियंस है 1 साल का, और जिस राइटर ने ये लिखा है उनका जॉब का बहुत बड़ा अनुभव है। वो राइटर लिखते हैं जॉब जो लोग करते हैं वो विश्व के किसी भी कोने में है, वो इंडिया में है या अमेरिका में है, वो मंडे को वहां पे जाते हैं जहां पे वो जाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के साथ ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं जिनके साथ में वो चाय पीना नहीं चाहते हैं, और उस बॉस को सलाम करते हैं जिसके साथ वो अच्छे ढंग से बात भी नहीं करना चाहते। यस और नो? यस। फिर भी क्यों करते हैं, मजबूरी है? यस yes. अगर नहीं जाएंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चों की फीस कहां से आएगी, पेरेंट्स का इलाज कहां से करवाएंगे, करना पड़ता है। वही टेबल, वही फाइल, वही बॉस, जिंदगी भर एक नीरस से जिंदगी करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम बिजनेस में आए, जॉब में और बिजनेस में दोनों में एक कॉमन चीज है, जॉब वाला भी 45 साल काम करता है और बिजनेस वाला भी 45 साल काम करता है। और बिजनेसमैन की तो बड़ी जीव स्थिति होती है फ्रेंड्स। मैंने दोनों चीजें देखी हैं, मैंने जॉब किया 1 साल एक प्राइवेट स्कूल में और बिजनेस में हूं मैं पिछले 8 साल से। एक बिजनेसमैन अगर उसका एक अच्छा शानदार शोरूम है,
वो अगर 20 साल की एज में अपने शोरूम पे जाना शुरू करता है, उसका जो पहला दिन होता है वो जाता है अपनी दुकान के अपने शोरूम के स्टर को ऊपर उठाता है और दिन भर वहां बैठ के ग्राहकों का इंतजार करता है। अपनी शॉप में वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखवा लेता है कि ग्राहक मेरे लिए भगवान है, ग्राहक की संतुष्टि ही मेरा ध्येय है। यस, लेकिन अंदर से वो ये सोचता है कि ये जो आया है ना, इसकी जेब में जितने पैसे हैं सारे के सारे निकलवा लूंगा। यस, वो कहते हैं कि मुंह देख के टीका लगाते हैं। कार में आया तो ज्यादा मांग लूंगा, साइकिल पे आया तो सोचूंगा कि ज्यादा इसके पास नहीं होंगे, कम ले लूंगा। यस यस, दिन भर वो यही काम करता है और रात में क्या करता है, जो सर ऊपर उठाया था उसको नीचे कर देता है और जाके घर पे सो जाता है। ठीक, दूसरे दिन क्या करता है, वो वही करता है। डलहौजी घूमने के लिए तो नहीं जाता, नहीं जाता। दो साल बाद क्या करता है, सर ऊपर नीचे। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 45 साल तक उसका एक ही काम है, सुबह आना स्टर ऊपर करना, रात को नीचे स्टर ऊपर, स्टर नीचे, स्टर ऊपर, स्टर नीचे। और ये भूल जाता है वो कि ऊपर वाले ने तुझे पैदा क्या क्यों किया है। उसकी समझ में शायद ये आता है कि ऊपर वाले ने एक ही काम सोचा है कि बेटा जाओ 20 साल की एज में तुझे काम दूंगा और एक ही काम है, जिंदगी भर स्टर ऊपर करते रहना, नीचे करते रहना, ऊपर करते रहना, नीचे करते रहना। और वो बिजनेसमैन बेचारा सोच भी नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, फुर्सत ही कहां सोचने की। आप किसी को बुलाइए ना आज से की मीटिंग में, कहेगा टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। 4,000 रुपए महीना कमाने की फुर्सत है, जहां से 4,00,000 मिल जाता है वो बात सोचने की फुर्सत नहीं है लोगों के पास। क्योंकि हमने अपने आप को सीमाओं में बांध लिया है, जो माहौल जो स्थितियां हमें है बस वो बढ़िया है, उससे हम निकलना नहीं चाहते। और न केवल मात्र निकलना नहीं चाहते, हमें नहीं लगता कि हम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। सो ये स्थिति है फ्रेंड्स एक बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन 45 साल तक काम करने के बावजूद अगर उसको पैसा मिल भी जाता है, उसने 20 लाख इकट्ठा कर लिया, वो उस पैसे का क्या करता, अपने बच्चों को छोड़ देता है और 20 साल की एज में जब उसका बच्चा होता है उसको वो काम सुनवा देता है। और उसका बच्चा क्या करता है, वो भी स्टर ऊपर स्टर नीचे, स्टर ऊपर स्टर नीचे। और वो उस 20 लाख को 50 लाख कर देता है और वो क्या करता है, वो अपने 20 साल के बेटे को दे जाता है कि बेटा बड़ी मेहनत से कमाया, इसको खोना मत। और वो भी अपने बात को पूरा करता है, वो भी स्टर ऊपर स्टर नीचे, वो उसको 50 लाख को 2 करोड़ कर देता है। यस, ऐसा ही होता है। यस, एक 65 साल की एज वाले व्यक्ति को अगर आप कहें कि आपने बहुत कमाया, 20 लाख रुपए कमाया, चलिए आप कुछ पैसा लें, अब इस पैसे का एंजॉय करें, क्या 65 साल की एज में एंजॉय करने के लिए कोई व्यक्ति मनाली या डलहौजी जाएगा? तो या तो अमृतसर जाएगा या हरिद्वार जाएगा, राम का नाम ले लें बस, ये बहुत बड़ी चीज है, बस उसके पास जाना है वो। ठीक है ना, सो सोच बदल जाती है उस एज में जाने के बाद में। सो फ्रेंड, इस प्रकार की स्थिति है। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये जॉब और बिजनेस का जो सिस्टम है ये एक चूहा दौड़ है। क्या है, चूहा दौड़। वो कहते हैं कि जॉब और बिजनेस वाला जो ये चक्कर है, जो व्यक्ति एक बार इस चक्कर में फंसता है वो जिंदगी भर फंसा रहता है। जिस प्रकार से एक बिल्ली चूहे के पीछे लगी रहती है, इसी प्रकार से एक जॉब वाला और बिजनेस वाला पैसे के पीछे लगा रहता है, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, और जिंदगी भर उसको पैसा नहीं मिलता। ये स्थिति है हमारी। लेकिन ऊपर वाले का हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, उसने ऐसी कुछ प्लानिंग की, उसने एक ऐसे महान व्यक्ति के माइंड में एक कॉन्सेप्ट डाला, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस चूहा दौड़ से बाहर निकल जाएं और ऐसे निकल जाएं, पैसे को अपना गुलाम बना लें, जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। जानते हैं उस अवसर का नाम क्या है? क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? आरसीएम। एग्जैक्टली, आरसीएम ये कॉन्सेप्ट जो आज से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ। और इस बिजनेस की पावर देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। पैसा कमाने का एक साधन जॉब और बिजनेस, दूसरा साधन है आपके पास में आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में अगर स्टार्ट करता है, उसको 45 साल काम करने की जरूरत नहीं है।
इस बिजनेस में उसको केवल मात्र 5 साल लगाने हैं। कितने साल? 5 साल। एक व्यक्ति अगर 20 साल की एज में इसको स्टार्ट करता है, 5 साल काम करके वो 25 साल की एज में रिटायर हो जाता है। यहां तो रिटायर तब होते हैं जब काम करने लायक नहीं रहते, और यहां पे रिटायर वो तब होता है जब जिंदगी में असली आनंद लेता है। उसके पास में टेंशन नहीं होती पैसे की, और सबसे बड़ी चीज उसके पास में समय की चिंता नहीं होती, जहां मर्जी जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे बीच में, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं करवाई है। लक्की लोग, हाथ खड़ा करेंगे एक बार? बहुत सारे हैं, अब तालियां हो जाए एक बार। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपके लिए, समय की दौड़ में चले जमाने के संग आरसीएम। आरसीएम